हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश। कैंडल वैक्स रीडिंग मतलब बहुत पावरफुल फील कर रही है और रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो इसके लिए कोशिश। और सेकेंडली, जो दो तीन वीडियो में जो माइक के प्रॉब्लम थे, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वीडियो में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम माइक का था, तो अभी ऑर्डर तो दे दिया अमेज़न में और लोकल से भी माइक एक परचेस किया है। तो इसके लिए कोशिश कर रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो प्लीज़ ज़रा बेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते रीडिंग कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, बेसिकली वो है जानने की कोशिश। जब भी फ्लेम जलाऊं तो आपको फ्लेम की जो लॉ है उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और आपके पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, उनका नाम लेना है और पूरे आग बंद करके 2 मिनट के लिए उस चीज़ को एकदम कॉन्सेंट्रेटली देखना है, सुनना है। या तो आग बंद कर लीजिए, उसके बाद वो फ्लेम को आँख में रख के, या फिर आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं बेसिकली फ्लेम के कॉन्सेंट्रेशन के पर और आपके पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए कह रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे फील होना जैसे ही ड्रॉप गिरा कि कल रात इन्होंने आपको बेहद याद किया है, स्टॉकिंग किया है, मतलब आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक किया गया है। और नहीं तो सही, मतलब इस इतनी बेदर्दी से याद किया था कि एक मोमेंट पे कि उस वक्त आपको भी फील किया होगा कुछ सपने के थ्रू या फिर किसी मोमेंट के थ्रू। उनको ऐसा लगा कि सच में वो कहीं आसपास है, वो वाली इतनी एनर्जी थी। मुझे काफी हद तक ये ना कंफ्यूज फील हो रहा है कि इनको आपके पास आना है, मतलब आपकी याद तो है, सब कुछ है, याद आती है, मिसिंग एनर्जी है, सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रोकती है, प्रैक्टिकल चीज़ें, थर्ड पार्टी इश्यूज दिख रहे हैं मुझे डेफिनेटली। थर्ड पार्टी इश्यूज में जैसा पेरेंट्स के इश्यूज है कि पेरेंट्स कुछ भी करके मानेंगे नहीं, ये एनर्जी दिख रही थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो कहकर तो गए हैं कि भाई पेरेंट्स नहीं मान सकते, या जो भी सिनारियो है, लेकिन मैरिड है या फिर कमिट कर चुके हैं किसी और को, भले जो भी सिचुएशन, या फिर मैं अपने अपने करियर के ऊपर पहले कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये सब कह के तो गए हैं, लेकिन अभी उनकी फीलिंग्स ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है। ये आपकी तरफ क्यों इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये खुद नहीं समझ पा रहे, क्योंकि घूम फिर के ना आपकी यादें मतलब ऐसे ना बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह फील हो रही है कि वो कुछ और, लाइक दोस्तों के साथ पार्टी में है, या फिर दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, या फिर ऑफिस में इतना मतलब बहुत काम है, सब कुछ है, थर्ड पार्टी के साथ अगर कई फैमिली फंक्शंस या कुछ भी ऐसा सिचुएशंस में है, लेकिन बैकग्राउंड में आप क्यों हो ये खुद परेशान हो गया। माहौल कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मतलब आपको क्यों मिस किया जा रहा है वो नहीं समझ में आ रहा। दूसरी एक चीज़ मुझे खास एकदम नोटिस की जा रही है ना कि जिन लोगों ने चेजिंग एनर्जी छोड़ी है ना, उनके पार्टनर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा गहरा असर है, बहुत ज़्यादा गहरा असर। उनको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब वो जो आदत है उनको, कुछ वक्त के बाद आप घूम फिर के उनके पास जाते हो, आप ही पूछते हो, आप ही माफ़ी मांगते हो, या आप ही पहल करते हो कि चलो क्या हो रहा है क्या नहीं, और ये फिर
खुश हो जाते हैं, अच्छे पल बिताते हैं आप लोग सब साथ में, सब कुछ है, और अचानक से वापस ये अपनी दुनिया में लौट जाते हैं और आप खाली हाथ रह जाते हो, दुखी हो जाते हो, सब कुछ है। ये ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोगों के केसेस में अभी ये जो पैटर्न है ना वो ब्रेक हुआ है। आप लोगों में से कुछ लोग हैं उन्होंने ये स्ट्रेंथ है ना, कुछ लोग मतलब मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं कि जिन्होंने ये स्ट्रेंथ है ना वो मतलब एक्चुअली लग रहा है कि ये स्ट्रेंथ उन्होंने जुटा ली है, कि वो जो हिम्मत होती है ना भाई, कितना भी मन करे लेकिन कॉल नहीं करना है, नहीं करना है, कहीं करना है, ये एनर्जी मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी और बेसब्री दोनों भी दिख रही है कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ये कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मतलब कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि आप नहीं कॉल करेंगे, आप नहीं मैसेज करेंगे, या आप पूछेंगे नहीं, और या फिर आप बात करने के बाद भी इतनी मतलब ओके हाय वाली एनर्जी देंगे, बस ओके सब चल रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज आप में कहाँ से आई, ये कॉन्फिडेंस या ये आप में जो चेंज है वो कहाँ से आ गया? और सबसे बड़ी चीज़ वो नोटिस करे कि आप में जो चेंज है वो पॉजिटिव है, तो वो चीज़ उनको खाई जा रही है कि ये क्या नया चक्कर है। क्यों कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप किसी और रिश्ते में तो नहीं है, कुछ क्या क्या ऐसा बदला है, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो इंसान कल तक मेरे आगे पीछे घूम रहा था वो ऐसे कैसे नहीं हो सकता, वो ऐसा मतलब ऐसे एक अजीब एनर्जी में परेशानी में है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दोस्तों के साथ भी हो, फैमिली फंक्शन में हो या थर्ड पार्टी के साथ हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना इनकी एनर्जी जैसे कि फ़ोन पे हो, फ़ोन पे नज़र हो कि गलती से कहीं आपकी स्टॉकिंग दिखे, मतलब स्टॉकिंग मतलब आप स्टॉक कर रहे हो, आप नज़र रख रहे हो, अचानक से आपका आपने प्रोफाइल चेक किया है या आपने मैसेज करने की कोशिश की है, वो एनर्जीज़ वो फील करना चाहते थे लेकिन ऐसा लगा कि नहीं हुआ, और ये काफ़ी वक्त से हो रहा है। तो बंदा या बंदी है ना बेहद परेशान हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है या तो कुछ बदला है। इनका मन तो कर रहा है कि बहुत मतलब मिलने का सब कुछ है, बट नहीं मतलब बस उनको लग रहा है कि नहीं ये प्रॉब्लम्स ही बड़े हैं, और वापस जाके वही रीज़न देना और वही सब सिचुएशंस, उससे अच्छा है कि आप सामने से आओ तो फिर चलो बात की जा सकती है, आपसे ही पूछा जाए कि भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये लिटरली अभी ना प्लान कर रहे हैं, एक तो आपके ऊपर कल रात है ना आपका प्रोफाइल कहीं ना कहीं से देखा गया था। यस, मुझे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील कि मतलब देखने की कोशिश की ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने उनके ऊपर काफ़ी वक्त से नज़र क्यों नहीं डाली, और इतनी मिसिंग एनर्जी एक दूसरे के लिए हमेशा फील की है, तो अभी आप कैसे शांत हो, अभी आप कैसे चुप हो। मुझे ना एक लाइक उनके पास एक पेट है वो दिख रहा है कि जैसे वो अपने पेट से बातें कर रहे हो, या उस पेट के साथ कुछ कुछ तो बात है इस पेट से रिलेटेड, उसमें बिजी है। मुझे काफ़ी ट्रीज वगैरह मतलब ऐसा लगता है कि उन पलों को याद किया गया है जो पल आप लोगों ने एक साथ बिताए थे, वो जगह स्पेशली वो जगह। मुझे वो जगह ना तालाब के लेक के पास की वाली नज़र आ रही है, जहाँ पे उनको वो यादें फील हो रही है कि वहाँ पे एक पल था, खास थे वो पल, बहुत ज़्यादा याद किए जा रहे हैं। इनकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा अभी ना बिखरी है, बहुत ज़्यादा बिखरी है कि समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। एक तो चलो कि दुख है, ठीक है, तकलीफ़ हो रही है, बट ये मिसिंग एनर्जी इतनी क्यों मिस हो रही है, और इसके बावजूद भी आपकी तरफ से रिस्पांस कैसे नहीं आ रहा है, या आपकी तरफ से रिस्पांस है वो ठंडा क्यों है, कोल्ड बिहेवियर कैसे हो सकता है। आप उनको इग्नोर करेंगे या उनको अटेंशन नहीं देंगे, ये
कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और सोचा भी नहीं था। मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो औराज है, अभी उसके पर वो थोड़ा घबरा भी गए हैं, इनसिक्योर भी हो रहे हैं और कुछ हद तक अजीब भी फील हो रहा है कि ये क्या चेंज हो रहा है या क्या छुपाया जा रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये जो आपका बिहेवियर है ना स्ट्रेंथ का, वो खींच रहा है उनको, समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों और कैसे, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी एनर्जी चेंज होने की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है एनर्जी का, एक्चुअली एनर्जी का। और रही सवाल दूसरों लोग की, कि उनके ऊपर ऐसा लग रहा है ना कि संभव कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं जिसकी वजह से आपको बहुत याद किया जाएगा। प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी वजह से आने वाले हैं, लेकिन संभव ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ही प्रॉब्लम, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी है उसमें उनको ये एहसास दिया जाएगा कि अगर आपके साथ वो इंसान होता तो या तो आपके साथ लक होता या तो उस इंसान का साथ होता। ये आपको ना बहुत ज़्यादा लाइक ना एक्चुअली थोड़े परेशान हो गए, मुझे लग रहा ना मिसिंग से ज़्यादा ना परेशान ज़्यादा लग रहे कि एक अजीब सी क्वेश्चन से मन में कि ये क्यों, कब, कैसे, ये कैसे बदल गया इंसान। और प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हमेशा आपका पीछे आना था, वो कैसे चेंज हो गया। ये लिटरली ना अभी आपके पीछे पड़ने वाले, लिटरली आपके पीछे पड़ने वाले कि आप क्या कर रहे हो, क्यों हो, क्या मतलब ऐसा क्या है, ऐसा क्या चल रहा है लाइफ में, वो सब क्या है वो सब। और मुझे लगता है कि जो लोग आपने जैसे ना एक चीज़ पे डटे हुए हैं कि भाई अपनी एनर्जी क्लियर करके, मतलब आपको कमिटमेंट चाहिए तो आप ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है बात मत करो, आपको जो प्रॉब्लम है ठीक है, कि ठीक है प्रॉब्लम है तो आप वही रहो। तो वो आपने जो बोला ना आप अपनी बात पे कायम हो, ये वाली एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा मतलब ना शॉक कर गई है, क्योंकि ये सब आप कुछ बोलेंगे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने मजबूत हो। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे वो गलत है, बट हमेशा कैसे आदत थी ना कि आपको हल्के में लेना, कुछ भी प्यार से बात करके आपको मना ही लेना, बट अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत मुझे ना बहुत अजीब सी शॉकिंग एनर्जी लग रही है उनकी तरफ से, मतलब मुझे हंसने आ रहा है बट आपके लिए बहुत खुश हूँ मैं कि आपकी अगर एनर्जी ऐसी है अभी स्ट्रेंथ वाली कि भाई आप ठीक से बात करो, कमिटमेंट की बात करो या क्लैरिटी की बात करो, जो भी है प्रॉब्लम है तो सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं, आप पहले से ही हाथ खड़े कर देते हो ये एनर्जी नहीं चलेगी। ये जो बात आपकी है या एनर्जी और आपका जो है स्ट्रेंथ वाला, वो बहुत उनको मतलब इम्प्रेस कर रहा है लिटरली। थोड़ा शॉक में भी है, थोड़ा डर भी रहे, लेकिन मतलब इम्प्रेस भी हो रहा है उसके ऊपर। तो ये कन्फ्यूजन जो है ना उनको, कन्फ्यूजन मतलब आपके लिए जो मिस्ट्री, आप मिस्ट्री बन चुके हो अभी एक, तो वो फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी लग रही है कि यही फीलिंग होनी चाहिए आपकी कि आप बहुत ज़्यादा मजबूत, क्योंकि आपका इंटेंशन सिर्फ प्यार देना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो, मानो सब कुछ है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। मतलब मैं चाहती हूँ कि वो आए, लेकिन इससे भी मतलब ज़्यादा खूबसूरत, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता भी हो, उस रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं रिस्पेक्ट भी हो, ये वाली एनर्जीज़ मुझे हमेशा चाहिए थी। तो ये एनर्जीज़ के लिए आप भी मतलब डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से, तो वो चेंज मुझे बहुत दिख रहा है। वो बहुत ज़्यादा सीरियसली और रिस्पेक्टफुली आपकी तरफ देख रहा है, वो मेरे लिए बहुत मायने रख रहे हैं। तो इसी नोट पे मैं ये रीडिंग यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। तो अच्छा खासा दिल बना है, दिल बना है, व्रीत बनी है। लोग के व्रीत ना हमेशा जीत की निशानी मानी जाती है या सेलिब्रेशंस, तो मुझे लगता है कि सेलिब्रेशंस और जीत होने वाली है, आपकी जीत होने वाली है, क्योंकि आप जिस तरह से अपने
मतलब अपनी बात पर डटे हुए ना, आपकी इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, आपकी इंटेंशन सही है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रही। यूनिवर्स जैसे सुन रही हो, मैनिफेस्टेशन आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कल के कल होने वाले, उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन कमिटमेंट के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि सब लोगों के केसेस में ऐसा, हर चीज़ अलग अलग तरीके से डिफर कर रही है क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, बट चेंज हम में लाना है तब जाके चेंज हमारी तरफ से और हर चीज़ हो जाएगी। तो वो बहुत पॉजिटिव साइन सिम्टम्स है मेरे लिए। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इनर पीस, बाउंड्रीज, वर्दीनेस, सोलमेट्स, इंटीमेसी और डिवाइन फेमिनिन। तो ना ये देखिए, सबसे पहला कार्ड है ना इनर पीस। ये जो इनर पीस है ना, वो आप में आ रहा है धीरे धीरे, सही से ना। आप में भी बहुत बेचैनी थी, बेताबी थी, मन बहुत दुखी होता था, अभी धीरे धीरे से इनर पीस आ रहा है। और यही एनर्जी उनके इनर पीस को ख़राब करिए, ऐसा नहीं कि आप उनके साथ गलत कर रहे हो, एनर्जी वाइस वर्सा काम करिए। एक रिफ्लेक्शन की मुझे लगता है, अगेन आपको 69 नंबर, 96 नंबर, 55 नंबर, 555 नंबर दिख रहा है, क्योंकि ये 11 11, यू नो, ये नंबर है ना चेंज के हैं। यूनिवर्स चाहती है कि आप में चेंज हो, या चेंज हो रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो आप कुछ चेंज कर रहे हो उसमें यूनिवर्स साथ देना चाहती है, आपको बताना चाहते हैं कि आप ये वाला चेंज करो। तो आप इनर पीस पे काम कर रहे हैं कि अंदर में अपने आप में शांति, क्योंकि जब तक आपके मन के अंदर के तूफान थमते नहीं हैं, आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं होते। जो भी है, आप जो चाहते हो लाइफ में सब कुछ होगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको शांत होना पड़ेगा। तो ये इनर पीस उनकी तरफ एक एनर्जी मिरर की तरह काम कर रहा है। जो भी आपने तकलीफ सही थी, अब वो सहेंगे और वो भी अगेन अपने लाइफ में वो इनर पीस ढूंढेंगे आपके थ्रू, आपके थ्रू। तो वो एनर्जीज फील हो रही है कि ये चेंजेस धीरे धीरे से ही बढ़ रहे। अभी आपने इन बाउंड्रीज को, ये जो सेपरेशन को, ये जो तकलीफों को जो समझा है, और वो कुछ ना तक ना आपने बाउंड्री सेट किया ना कि भाई आप क्लैरिटी रखो रिलेशन में, आप कमिटमेंट रखो रिलेशन में, हर चीज़ जो आपने बाउंड्री सेट करके रखे, तो या तो नहीं करना है ना तो नहीं सही, बट ये आना जाना नहीं, या गोल गोल घूमना फिरना ये नहीं है। ये जो आपने जो अपनी बाउंड्री सेट की है वो बहुत बड़ी मायने रखती है। आपका कनेक्शन सोल लेवल का है, आप डिवाइन फेमिनिन हो, ये बात उनको भी फील हो रही है। ये बात उनको पहले नहीं फील हो रही थी, लेकिन ये जैसे जैसे आपका इनर वर्क कंप्लीट होते जा रहा है ना, आपके अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ग्रोथ होती जा रही है, आप में चेंजेस जैसे जैसे आ रही है ना, कि आप खुद को फील करें ना डिवाइन फेमिनिन की तरह, जो सोल का दूसरा पार्ट हो, तो वैसे ही वो सोल आपके लिए अभी क्रेव कर रहा है, क्योंकि वो सोल अपनी कमी ढूंढ रहा है। जो स्ट्रेंथ उनको चाहिए वो आप में अभी दिख रही है, तो वो एनर्जी इस तरह से काम करे कि आपकी ना वर्थ, यू नो, आपको बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जा रहा है, अभी बहुत खास हो, क्योंकि एक एनर्जी ऐसी जो एकदम तहे दिल से प्यार भी करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है, कि हर तकलीफ में, हर मुसीबत में जैसे चट्टान की तरह खड़ी रह सके, वो भी एनर्जी है, कि हर मुश्किल में, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारे पर मुश्किलें आती है, तब हमारे जो सो कॉल्ड अपने हैं वो ही पहले भागते हैं। तो ये आपने कभी ऐसा नहीं किया है, और ना ही आप कभी करोगे। तो ये एनर्जीज जो आप, मतलब आपका ऑरा ही जिस तरह से चेंज हो रहा है, जो स्ट्रेंथ फील हो रहा है, वो उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है। और ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, बिकॉज ये दे वॉन्ट टू फील योर एनर्जी, आपकी एनर्जी फील करना चाहते हैं, कि आपके साथ जो इवन आपके साथ बात भी करें ना, आपको देखे भी, तभी वो एक अजीब सा सुकून फील करवाते। अभी उनको ये नहीं पता कि पहले ऐसा, या इस उनको ये लगता है कि चलो फिजिकल क्रेविंग है, बट उनको ये नहीं पता कि सिर्फ आपसे, आपको देखने से, आपके से बात करने से उनका उनको कितना सुकून फील हो रहा है। अभी ये जिस तरह से आपने बाउंड्रीज सेट करके रखी है ना, अपनी सेपरेशन को सीरियसली लिया है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियसली ली जा रही हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ये रीडिंग में जो आपकी वर्दीनेस है ना, ये जो फील हो रही है ना,
मतलब आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझी जा रही है, वो मेरे लिए बहुत 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 मतलब बहुत मायने रख रहा है। बहुत मैं बहुत खुश हूँ अगर ये जो लोगों की एनर्जी है ना आप लोगों की, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये एनर्जी आपको लिटरली आप जो सालों से महीनों से ढूंढ रहे हो ना, वो दिला देगी आपको। दो कार्ड्स लेंगे से पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट अ प्रेजेंट एन्जॉय इट। तो इनका एक्चुअली आपके लिए फिजिकल या सेक्सुअल क्रेविंग बहुत बढ़ रही है, लेकिन इस ये चीज़ आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपके डिज़ायर्स नहीं है, बट आपको मतलब ये सब चीज़ें ना बहुत सही तरीके से चाहिए, कमिटमेंट के थ्रू चाहिए, क्लैरिटी के साथ चाहिए। ये उनका कहना है कैसे ना, अब तक जैसे चल रहा था ना, चलने दो, वो वाली एनर्जी थी। एंड हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बींग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। हीलिंग 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 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं रोज रीडिंग इसलिए करती हूँ कि इनडायरेक्टली सही ना, अनजाने में सही आपकी हीलिंग प्रोसेस में मतलब प्रोसेस में मदद हो, और आपके तरफ है ना पॉजिटिविटी आए, एक होप आए। अगर इंतज़ार करना आपकी चॉइस है तो आपके पास होप आए, हीलिंग आए, यही मेरी इंटेंशन होती है। तो हीलिंग आपके पास मिल रही है, यूनिवर्स एक्चुअली हीलिंग भेज रही है, तो अपने ऊपर ज़रूर मेहनत कीजिए, हीलिंग प्रोसेस से गुजरिए, तो बस यूनिवर्स आपके साथ है। मुझे एक्चुअली ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी जो वर्दीनेस फील हो रही है ना, वो बहुत मेरे लिए मायने रखती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।